सारी जिंदगी यूरोप में रहा हूं, लेकिन ये खाना मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है, बड़ा अच्छा खाना है। अर्शद साहब, आप उतने बेचैन नहीं होंगे जितनी मैं हूं। अगर आपने मेरी तरह 6 साल इंतजार किया होता ना, तो फिर आपको पता चलता कि इंतजार करना क्या होता। अब तो डॉक्टर अली के बेटे भी आ गए हैं और अब तो गांव वालों का खूब बढ़िया इलाज होगा। देखने में बिल्कुल अंग्रेज लगते हैं। हाँ, सुंदर युवक है। ये डॉक्टर साहब अभी तक आए क्यों नहीं? बस बस आते ही होंगे। आओ बेटा आओ। आदाब। आइए। नमस्कार जी, नमस्कार। तो बेटे, ये है हमारा छोटा सा क्लिनिक। फिलहाल तो हम यहीं से काम चला रहे हैं, और वो तुम्हें अंदर का कमरा याद होगा, वहां पर हमारी छोटी सर्जरी है। छोटी छोटी सर्जरियां वहीं करते हैं, और हमने इक्विपमेंट का ऑर्डर दे दिया है, जल्दी आ जाएगा। कल्लू, अर्शद मियां आ गए, हमसे बड़े डॉक्टर हैं। अब इस क्लिनिक को इस कदर चमका दो, बिल्कुल चकाचक लगे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आप चिंता ना करिए, हम छोटे साहब का पूरा ख्याल रखेंगे, उनकी हर तरह से मदद करेंगे, और आज से मिर्च मसाला भी बंद। अर्शद बेटे जी, ये है हमारे होने वाले अस्पताल का मॉडल, और ऊपर जो है वो उसका लेआउट प्लान है। बेटा, जो हॉस्पिटल है अभी तो हम 4 फ्लोर बनाएंगे, नीचे बेसमेंट में पार्किंग होगी, पीछे की तरफ स्टोरेज होगा, एक बड़ी सी लिफ्ट होगी, एक्सरे होगा, पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा, ओपीडी होगा, सब कुछ यहाँ पर होगा। और जब बेटा पैसा आएगा तो यहाँ पर होगा कैट स्कैन एंड एमआरआई। आप अच्छा साहब, ऐसा लग रहा है अभी अभी न्यूयॉर्क से आए आप। सर गर्मी है, इस वेदर के लिए यही कपड़े ठीक है। क्यों सही, कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी स्कूल से निकल कर आ रहे हैं। अर्शद मियां, ये जो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग के जो प्लान्स हैं, मॉडल्स हैं, ये एक यंग आर्किटेक्ट है, जावेद। लंदन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से उसने पूरा कोर्स किया है, बस 2-4 दिन में यहाँ पर आता ही होगा। बहुत ही जहीन किस्म का लड़का है, बहुत अच्छा। बेटे, ये मॉडल कैसा लगा? कुछ कमी हो तो अभी बता सकते हो। बेटे खामोश क्यों? क्या सोच रहे हो? अबू, यहाँ पे बिजली अक्सर जाती? बेटे बिजली तो जाती है, इसीलिए एक जनरेटर लगवाएंगे। ट्रांसफार्मर से घर की बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हॉस्पिटल कैसे चलेगा? बेटे इसीलिए तो हम लोगों ने तमाम डिपार्टमेंट से जो है वो बातचीत शुरू कर दी है, प्राइमरी सेंटर से, हेल्थ सेंटर से, बाकी मिनिस्ट्री से, और जावेद भी इस काम में हमको हेल्प कर रहा है। मौका लगेगा तो बेटा एक बहुत बड़ा और एक अच्छा सा जनरेटर लगवा लेंगे। अबू, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस थी शहर में, अब सबको छोड़ छाड़ के आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बेटे ये हमारा पुश्तैनी गांव है, सब लोग यहीं तो पैदा हुए थे। अगर हम सब लोग यहाँ चले जाएंगे तो गांव वालों का ख्याल कौन रखेगा? बेटे मैं जानता हूँ कि शहर में मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन ये तो हमारी पुश्तैनी जगह है, पुश्त दर पुश्त सब लोग यहीं पे रहे, गांव वालों को हमारी जरूरत है। और बेटे प्रैक्टिस अच्छी चलती है, पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं, आवाम और मुल्क की खिदमत भी तो जरूरी। अबू आई एम सॉरी बट पैसे से ही जनरेटर आता है, पैसे से ही हॉस्पिटल की दीवारें और छत बनती हैं, पैसे से ही इक्विपमेंट आता है, और आप ये जो मिनिस्ट्री के चक्कर लगाते हैं, आई एम श्योर उसमें भी पैसे खर्च होते होंगे।
वो ये सोच प्रैक्टिकल नहीं, इमोशनल है। आवाम का ख्याल रखना गवर्नमेंट का काम है। हर गांव में गवर्नमेंट के हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। आई एम श्योर इस गांव में भी होगा। गांव वालों की सेहत का ख्याल रखना उनका काम है। आप पॉलिटिशियन तो है नहीं, एक सीधे साधे डॉक्टर हैं। अब आपकी उम्र एक नई शुरुआत की नहीं, आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही, क्यों अपने सर पे ऐसा बोझ ले रहे हैं जो आप उठा नहीं पाएंगे? अरशद मियां, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इस गांव में भी है, लेकिन ना ही वो केयर करता है, ना ही वो सेंटर कायदे से चल रहा है। इस गांव के जो हकीम साहब हैं वो ही उसे चला रहे हैं। सरकारी दवाइयां उनके पास में आती हैं लेकिन वो वहां नहीं बिकती। हकीम साहब का अपना एक पर्सनल शॉप है, उनकी अपनी एक दुकान है जहां पर ये दवाइयां चली जाती हैं और गांव वालों का वो इलाज करते हैं लेकिन उन्हें लूट लेते हैं बेटे। और बेटे इन हकीम साहब के पास में डॉक्टर की डिग्री तक भी नहीं है। अरशद साहब, डॉक्टर अली एक बहुत ही नेक और महान काम में लगे। अब देखिए, मुझे इतनी दूर से यूरोप से WHO ने यहाँ भेजा इनकी मदद करने के लिए, और मुझे तो फख्र है कि इनका हाथ बटा रहा हूँ। सर, आपकी उम्र अब्बू की उम्र से कम है लेकिन इनकी उम्र अभी आराम करने की है, अपने सर पे इतना बड़ा बोझ लेने की नहीं। बेटा मैं तंदुरुस्त हूँ, ये मत भूलना मैं अपना ख्याल रखता हूँ। और मेरे वालिद यानी कि तुम्हारे दादा, उन्होंने मरते दम तक इस मुल्क की जो है खिदमत की। अबू, जमाना बदल गया है। मैं हिंदुस्तान की हालत देख के मायूस हो गया। वही गरीबी, वही गंदगी, माफ कीजिएगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक पिछड़े हुए गांव में हॉस्पिटल बनाना अकलमंदी का काम है। शहर में मुदस्सर चाचा का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आपको वहीं जाके काम करना चाहिए। ओहो, तो ये बात है, ये तुम नहीं है, मुदस्सर मियां का खुद गर्जी का स्कूल बोल रहा है। उन्होंने तो बेटा तुम्हारी सोच ही बदल दी, मतलब एयरपोर्ट से यहां तक आते आते तुम्हारी सोच में बदलाव आ गया। मुदस्सर मियां का ये जो कहने के पीछे जो मकसद है, जो उनकी नीयत है, वो बेटा तुम नहीं जानते। शायद बेटा मुझसे गलती हो गई। इतनी जल्दी तुम्हें इस क्लिनिक पर नहीं लाना चाहिए था, तुम्हें थोड़ा आराम करने का मौका देना चाहिए था, वक्त देना चाहिए था। हो सकता है वो, आई एम रियली सॉरी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अबू, क्या मैं कुछ देर के लिए दरगाह होकर आ जाऊं? आज जुमेरात है और यहाँ आने की जल्दबाजी में मैं वहां ना जाकर सीधे यहीं पर आ गई। जरूर बेटे, जरूर जरूर जाओ। अब सईदा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? जी जरूर, लेकिन ऐसे कपड़ों में। Why, what's the problem? रास्ते में थोड़ा म्यूजिक मेरे आईपैड पर भी सुन लेगी। ठीक है बेटे, ठीक है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, जब कोई विदेश से इतने साल बिताकर यहाँ लौटता है तो थोड़ा बहुत झटका लगता ही है। अरशद कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका हाथ बटाएगा। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह। ऐसा ही हो। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, ये हिंदुस्तान है,
यूरोप नहीं, और अभी हमारी शादी हुई नहीं। You mean, शादी के बाद? शादी के बाद भी नहीं, क्योंकि हमारी तहजीब आपकी गैर मुल्क की तहजीब से बिल्कुल जुदा है। Oh my God. मतलब इस मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ के लोग अभी भी पिछली सदी में जीते, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन हम कोई पुरानी दकियानूसी बातें। दकियानूसी बातें? नहीं, जिन्हें आप दकियानूसी बातें कह रहे हैं, दरअसल वो हमारी तहजीब की खूबियाँ हैं, ताकत है हमारी। Nonsense. मुझे लगता है कि अबू ने आके बहुत बड़ी गलती कर दी। बिल्कुल अच्छा किया। आज मुल्क को उन जैसे लोगों की जरूरत है जो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर खिदमत की जिंदगी जीते हैं और अपने असूलों पर चलना चाहते हैं। मैं तो इस दरगाह में ना हर रोज उनकी दुआ मांगने आती हूँ। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी हर दुआ पूरी हो जाएगी? दुआ मांगना हमारा काम, बाकी पूरा करना या ना करना अल्लाह ताला के हाथ में। अब हम दरगाह के पास आ गए, क्या आप ये गाना बजाना बंद करेंगे? वहाँ भी तो कवालियाँ बजती, एटलीस्ट ये म्यूजिक वहाँ के म्यूजिक से तो बेटर है। क्या हो गया है आपको? क्या किसी भी अकीदत से जुड़ी जगह पे हम ये लाउड म्यूजिक बजा सकते हैं? कुछ तो सोचिए। तुम चाहती हो मैं म्यूजिक ऑफ कर दूँ? You got to be kidding. चल। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? जूते यहीं उतार दीजिए। ये क्या है, ये गाना बजाना बंद कीजिए। ये बाबा की दरगाह है, कोई डिस्को स्टेशन नहीं। क्यों, इस म्यूजिक से आपके बाबा डिस्टर्ब हो जाएंगे? सईदा बीबी, आप किस जहल के साथ आई हैं? इन्हें समझा दीजिए, वरना इनकी इज्जत उतर जाएगी। तमीज से बात कीजिए। तमीज तो पहले आप सीख लीजिए। अंग्रेज भी यहाँ आते हैं जो बाबा को पूरी इज्जत और मर्तबा देते हैं। आपके दिल में बुजुर्गों का मर्तबा नहीं तो आप यहाँ क्यों आए? आपको किसी ने जबरदस्ती बुलाया है क्या? जानते मैं कौन? मैं जानना भी नहीं चाहता। खाम खाम आपके बुजुर्गों का नाम खराब होगा। मेहरबानी कीजिए, यहाँ से चले जाइए। मैं क्यों जाऊँ, ये आज़ाद मुल्क है, आप कौन होते मुझे रोकने वाले? मैं जानता हूँ कि आज़ाद मुल्क है, पर दिल दुखाने की आज़ादी किसी को भी नहीं दी गई। दिखने में तो आप हिंदुस्तानी लगते हैं, पर लगता है कुछ दिन बाहर रह लिए तो अपनी तहजीब ही भूल गए। लगता है आपके दिमाग की कोई नस जम गई। सईदा बीबी, आप तो डॉक्टर हैं, इनका इलाज कीजिए। मैं खुद डॉक्टर हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है, कम से कम इलाज का खर्च बच जाएगा, और बेहतर होगा कि आप अपना इलाज जरूर करें। अर्शद, आप मेरे साथ आइए। आप यहाँ रुकिए, हम आते हैं। आपकी दवाई का वक्त हो गया है। किन ख्यालों में डूबे हुए हैं आप? बेगम साहिबा, मैं सोच रहा हूँ कि अरशद को पढ़ने के लिए बाहर भेजने में हमने बहुत बड़ी गलती की। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं।
चंद दिनों में सब ठीक हो जाएगा। सईदा के साथ गया है, अच्छी बात है ना? इन दोनों का निकाह जल्दी कर देना चाहिए, फौरन दिल लग जाएगा अरशद का। सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम अहमद मियां, कैसे कैसे बैठी बैठी तशरीफ रखी है जी। कल्लो, चाय बनाकर लेके आ। अरशद मियां को देखकर बहुत ही खुशी हुई, माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रहा था, उसके लिए तोहफा लाया हूँ। कहाँ है अरशद मियां? वो अरशद और सईदा जो है वो सईद साहब के मजार तक गए। बाबा की दरगाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही जहीन लड़का है, आपका नाम रोशन करेगा वो। जी उम्मीद तो यही है। लीजिए चाय लीजिए। भाईजान जी, निकाह जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। मेरी बेटी सईदा 6 साल से अरशद का इंतजार कर रही है, दोनों की उम्र भी तो हो गई है। जी मुसा, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि जुबैदा भी यही जिक्र कर रही थी कि दोनों का निकाह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। तो तारीख मुकर्रर की जाए, शाम तक बात कर लेते हैं। हाय सर। आदाब आदाब आदाब, मैं सर नहीं हूँ, सईदा का वालिद हूँ, तुम्हारा होने वाला ससुर। अरे अबू, वो जो दरगाह का प्रीस्ट है ना, प्लीज उसे बदलवा दीजिए। He's a useless guy. मैं बेटे को समझा नहीं। अबू वो मुजावर के बारे में बात कर। या सेम गाय, उसने आज मुझे दरगाह से बाहर निकल दिया, कहता है कि शेरवानी पहन के टोपी पहन के आऊं और अपना ये लाउड म्यूजिक बंद कर दो। टेल मी समथिंग, इज दिस अ फ्री कंट्री और नॉट? बेटा जिस तरह तुम्हारे अस्पताल का दस्तूर होता है ना, वैसे ही हर मकाम का उसूल होता है, रीति रिवाज होते हैं। दरगाह एक पाक जगह है, वहाँ एक तहजीब होती है, और मुजावर का नाराज होना जायज था। अम्मी आप पिछली सेंचुरी में जी रही हैं। अरशद बेटे, अहमद साहब जो है निकाह का न्योता लेकर आए। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए खूबसूरत तोहफा लाया हूँ। बेटे ये टोपी उतारेंगे तो इसे पहनना होगा। He look like a cartoon. Is this a joke? Please अब जहां तक मेरी शादी की बात है, let me breathe, give me some space. आप चाहते क्या है? झट से आपका हॉस्पिटल बना दूं, चुटकी में आपका क्लिनिक संभाल लूं, झट से शादी कर लूं, बच्चे पैदा कर लूं। सईदा बता रही थी कि वो अपनी इंटर्नशिप कर रही है, उसकी डिग्री नहीं आई, उसे अपनी इंटर्नशिप तो पूरी करने दीजिए। और जहां तक रही मेरी बात, मुझे शादी में इतनी जल्दी कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं बेटा, सईदा इतने सालों बाद आया है, हमें लगता है हम जल्दबाजी कर रहे हैं, हमें उसे इस माहौल से फिर से वाकिफ कराने का मौका देना चाहिए। अरशद बहुत अच्छा लड़का है, सईदा से बहुत प्यार करता है। अहमद साहब नाराज होने की जरूरत नहीं है, बहुत शरीफ और जहीन है मेरा बेटा।
वहाँ और यहाँ के बदलाव से बौखला गया है। चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा उसे वक्त दीजिए। 6 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता भाभी जान। मेरी बेटी सईदा 6 साल से अरशद का इंतजार कर रही है। अरशद अरशद तो बिल्कुल बदल गया है। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं, और हम भी अब अपनी बेटी को बिना शादी के घर पर नहीं रख सकते। हेलो अरशद। चाचा जान आप सही कह रहे थे, इस गांव में मेरा गुजारा नहीं होगा। 2 दिन में ही दम घुटने लगा है। मैंने तुमसे कहा ही था तुम वहां ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाओगे। अपने सही कहा था, जस्ट गेट मी आउट ऑफ हियर। मैं तो फौरन तुम्हें लेने आ जाऊं, मगर भाई जान उन्हें कैसे संभालोगे? उसमें क्या संभालना है, उनसे कह दूंगा मुझे यहाँ नहीं रहना बस। नहीं नहीं नहीं, इस तरह तुम्हारा अचानक आना सही नहीं रहेगा। अभी 2 ही दिन तो हुए तुम्हें आए हुए। मैं उन्हें समझा दूंगा कि मैं शहर सिर्फ वीकेंड के लिए जा रहा हूं। डोंट वरी अबाउट हिम, जस्ट गेट मी आउट ऑफ हियर। जैसी तुम्हारी मर्जी, आई एम कमिंग। चले आओ जहां भी हो, वतन आवाज देता है। ये फूलों का, ये खुशबू का, चमन आवाज देता है। तिरंगी सुन क्या अपनों का, सुखद आवाज देता है। क्यों गुल खिला रहा है, क्यों गुल खिला रहा है। खैरों के तू चमन में आ जा, तेरे वतन में। फिरंगी फिरंगी।